हर बार कोई ना कोई चोल हो ही जाती है यार। ऐसा सीन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो देखो ट्रेन जा रही है, ओ यार क्या व्यू है, देखो धुंध। तो एक बात बता रहा हूँ, ये जितने जा रहे हैं ना फॉरेनर, ये देखो कचरा उठा रहे हैं यार क्या। हे गाइस, कम ऑन ट्रैवलर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे एक ये सीन है कि जब आप कोई टैक्सी वगैरह कुछ करते हैं भाई, यहाँ पे एजेंट नाम के बहुत बंदे हैं जो आपको मतलब गाड़ी से मतलब गाइड वगैरह वगैरह बहुत कुछ है भाई। तो अपने को जो ट्रैवलर रहते हैं सोलो घूमने वाले, उनके लिए बढ़िया यार जहाँ मर्जी जाओ भाई। ऐसे वो मेरा फ्रेंड आया ना, तो वो कोई गाइड के साथ, उसे 100 रुपये गाइड नहीं लेना है 100 रुपये गाइड नहीं लेना है पर पर्सन, ठीक है। वो घुमा रहा है उनको। तो अभी मैं ये मार्केट में हूँ, ये सामान वगैरह सब मिल रहा है। लक्ष्मण झूला इधर ही है ना, बड़े वो लोग हैं भाई। ये सारा सामान वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये सारा सामान मिल रहा है। वाह क्या बात है, बड़ी बड़ी सही सही चीजें, पेंटिंग। और ये बात है कि इस मार्केट में ज्यादातर फॉरनर ही है यहाँ पे। नमस्ते, वैसे ये है कि इस मार्केट में ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं ना बड़ी डिफरेंट है यार, बहुत डिफरेंट चीजें, पेंटिंग और भी कपड़े भी हैं बड़े अच्छे अच्छे तरह के। तो वो तो गए हैं जी गाइड मास्टर के साथ, और हम जा रहे हैं अकेले। और बाकी लक्ष्मण झूला यहाँ आने वाला है। अब इसे गाड़ी वाला ज़्यादा मुझे बोल रहा है वो यूट्यूबर। अरे भाई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, हमें तो कोई भी देखता भी नहीं है। इतने छड़े अंग्रेज है यार। और जी फाइनली पहुँच गए हैं नीचे। वाह क्या नज़ारा है यहाँ पे, कितना सुंदर है। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आप, जो ये बाबा ये बैठे हैं, ये देखो फॉरनर है ये बाबा बने हैं भाई, जन्नत। बता रहा हूँ, ये जितने जा रहे हैं ना फॉरेनर, ये देखो कचरा उठा रहे हैं यार क्या बात है। आए यार देख कचरा उठा रहे हैं यहाँ पे। सोचो हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोगों का इतना बुरा हाल है, ये लोग
फॉरेन से आके यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। वाकई यार हैट्स ऑफ है यार, हम ऐसे बेबड़े ऐसे गप्पे निकलेंगे मेरे मुंह से सच में यार। देखो वो देखो थैला, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, उन्होंने थैला भरा हुआ है और वो देखो यहाँ से कचरा उठाकर पूरा इन्होंने साइड पे इकट्ठा किया है। यहीं ये देखो 3-4 कचरों के पैकेट। वाकई यार यार दिल खुश हो गया यार, अभी मैंने जब देखा तो मेरा देख के दिल खुश हो गया। तो मैंने फटाफट से कैमरा निकाला और इनको रिकॉर्ड किया। अभी फिर से ही करेंगे ये, इन्होंने इकट्ठा किया काफ़ी ज़्यादा सामान। आते रही है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अगली लोकेशन पर, वो जिस साइड में गया था वो था लक्ष्मण झूला और इस साइड है राम झूला। तो चलिए इस साइड भी चलते हैं अभी और यहाँ से ये व्यू देखिए बहुत सुंदर इस साइड से भी। तो जी फाइनली नीचे पहुँच गए हैं और ये देखिए ये है पूरा ये नज़ारा। तो अभी हम जाएंगे झूले पर, तो वो उस साइड से है। तो गाइस ये है लक्ष्मण झूला, यहाँ देखिए फॉरनर ही फॉरनर है यहाँ पे।
गाइस, मैं बॉर्न भी होनी चाहिए, पर जो यहाँ की जो वाइब है ना, आए यार, जो यहाँ की जो वाइब थी ना यार, मैं बयान नहीं कर सकता। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो चलिए चलते हैं अब। यार यहाँ पे ना पहले आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे ना हमें स्टार्टिंग में याद आना चाहिए था, क्योंकि चलो अभी वापस जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन है अभी हमारी 5 बजे की और समय बहुत कम है, और चलो भागते हैं अभी। तो जी फाइनली पहुँच चुके हैं ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन। ये है क्या बात है, मैं भी बना रहा हूँ मोदी ने पहले बहुत छोटा था, बहुत बड़ा बनाया है, द्वारका से बड़ा अभी बन ही रहा है, चार धाम के लिए। और दोस्तों ये है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, क्या बात है। चलो जी पहुंच गए हैं अपन फाइनली ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, और ये देखिए काफ़ी सुंदर है ये रेलवे स्टेशन। वैसे ना लग नहीं रहा स्टेशन है, जैसे कि 5-स्टार होटल होता है ना, वैसी फीलिंग आ रही है। तो चलिए अब चलते हैं, पहले ट्रेन में बैठते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। तो जी ये रहा स्टेशन, और ये देखिए काफ़ी सुंदर है भाई। और मैं आपको बताऊँ, जो हमारा जो वैष्णो देवी वाला स्टेशन है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर बन गया। तो चलिए अंदर चलते हैं अभी। तो जी पूरे 5:20 पे ट्रेन रवाना हो चुकी है, और यहाँ से तो भाई काफ़ी साफ ट्रेन लग रही है हमें ऋषिकेश से, और बाकी लेट्स सी आगे कैसी रहेगी ट्रेन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? अब वापिस शहर आ गया मैं, मेरे साथ ही कोविड हो गया। मेरी ट्रेन पहुंची थी 5:45 पे पहुंच गई थी, 48 मतलब हाँ इतने में पहुंच गई थी। तो यार
मैं यार सोया रह गया और मेरी ट्रेन आगे निकली है। अभी मैं उधमपुर वाली साइड है ना, मनवाल उस साइड पहुंचा हूँ अभी। तो अभी मुझे पता नहीं कौन सा एरिया है यार, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। और यहाँ पे कहीं जो स्टेशन आएगा वो उतर गए ना, फिर दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी। चलो क्या कर रहा फिर गाइस, ये है मनवाल स्टेशन और ये रही ट्रेन जिसमें से मैं उतरा। हमारी जो ट्रेन आने वाली है वो आने वाली है 8:30 बजे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे उतरूँ या चढ़ जाऊँ फिर से। अभी यहाँ उधमपुरी निकल जाता है ना, वहाँ पे स्टेशन भी बड़ा है। पूछ लो तो पुलिस वाले अंकल से ना। यार ऐसा सीन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे लगता है मैं वापस राइस भी चढ़ जाता हूँ, तो उसके बाद ही देखूँगा करना क्या है। और यहाँ उधमपुर दूर जाता हूँ, यहाँ पे खज्जल हो रहा। हो भाई, अरे यार काम पे भी जाना था यार। मैंने सोचा था 4 बजे पहुँच जाऊँगा तो आराम से काम पे भी पहुँच जाऊँगा। तो जी वापस मैं चढ़ चुका हूँ भाई। अभी चढ़ के ना, अभी जो मेन जो स्टॉप आने वाला है ना वो वाला है उधमपुर, वहाँ से चढ़ूँगा मैं। ये बोल रहे हैं यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है, सो लेट्स सी, भी देखते हैं क्या है मसला। क्या व्यू है भाई, मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। तो भाई धुंध बड़ी हुई है उधमपुर में, ये देखो। वैसे इस समय हो रही हैं 6:55 हो रहे हैं और 7:10 पे उधमपुर पहुंच जाएगी, तो मैं बस वहीं उतरूंगा यार। इस समय इतनी धुंध। ये है रामनगर, बस हल्का सा रुकती है ट्रेन फिर चल पड़ती है इन स्टेशन से। यार यहाँ ठंड बहुत है भाई, मेरे कपड़े बैग में है। ओ भाई ठंड देख रहे हो। तो गाइस 7:18 पे आ गया है उधमपुर स्टेशन, अभी आपको दिखाता हूँ। मुझे फाइनली उधमपुर में स्वागत हुआ और अभी वापस की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ओ भाई मुझे कितना बढ़िया स्टेशन आया ना उधमपुर का, हमारे क्या बात है। तो गाइस इस समय टाइम हो रहा है 7:36 हो रहे हैं और ये पूरा ये है और ये हमने ली है चाय। अच्छा तो ये जो ट्रेन लगी है ना ये जाएगी अभी वापस, तो यहाँ चलेगी 8:05 पर। तो देखो आज यहाँ की चाय लिखी हुई थी इसलिए यहाँ पहुँच गए। तो बाकी ये देखो ठंड काफ़ी है यार इधर, जम्मू में भी ठंड नहीं है बट यहाँ पे खतरनाक वाली ठंड है। बहुत बढ़िया चाय बनाई है, बहुत बढ़िया। तो जी अभी ट्रेन में मैं चढ़ने लगा हूँ और कुछ इस तरह की ये है ट्रेन। तो चलिए ये लोकल है ट्रेन और यहाँ पे हमने रखा है सामान, ये रखा है सामान और कुछ इस तरह की ट्रेन है देख लो। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इसमें। और ये ट्रेन आई है नई दिल्ली से कटरा और इस साइड में आपको दिखाता हूँ कितना गोरा है यहाँ पे। देखो भाई आज डेट इतनी ऐसे डेट है
हाँ आज 12 है और 12 फरवरी में देखो कितनी ज़्यादा धुंध है उधमपुर में, जम्मू में तो बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे तो भाई। और यार मेन है ना पत्नीटॉप पे बर्फ काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है तो उस वजह से भी है। और ये जा रही है उत्तर संपर्क क्रांति कटरा को उधमपुर से। आजकल ट्रेन में ना वो फ्लैशर्स भी लगे हुए हैं। और ये देखो भाई सेकंड क्लास है, ये एसी नहीं है, एक सेकंड क्लास है जो जनरल रहती है। वो देखो ये ट्रेन जा रही है, ओ यार क्या व्यू है, देखो धुंध की कितनी ज्यादा है आगे और ट्रेन बड़ी जा रही है देखो। जी 8:05 पर यहाँ से ट्रेन चल पड़ी है हमारी जम्मू वाली। ये कुछ इस प्रकार ट्रेन का व्यू है। ऑफ भी है छोटा छोटा। सो गाइस मैं अभी उस लोकेशन पर पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैं रात को उतरा था। ये मनवाल स्टेशन रात को मैं देखा ना आपने, मैं उधर उतरा था वो आगे स्टेशन के पास, तो अभी फिर से मैं आ गया हूँ। अब देखो कितनी रोशनी है यहाँ पे भाई, बहुत ठंड है यहाँ पे इस साइड। ओके और दोस्तों ये रहा एरिया सिदड़ा का। और ऐसे सोच रहे होंगे जो मेरा व्लॉग देखते होंगे कि इसके साथ क्या होता रहता है, हर बार कोई ना कोई चोल हो ही जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ठीक है ये व्यू था और सामने जम्मू आ गया, वो आपके सामने मुबारक मंडी और बाकी बाबे वाली माता का भी दरबार आने वाला है। तो आज का ब्लॉग इतना रखते हैं, अगले ट्रिप पे फिर मिलेंगे। ठीक है तब तक जय श्री महाकाल और बस व्यू देखिए। ठीक है और बाय बाय। और जी अभी हम ट्रेन रुकी थी यहाँ पे तो सारे लोग यहाँ उतर रहे हैं। ये अपना ये बाबे वाला एरिया है, तो भाई फर्स्ट टाइम यहाँ से अपन जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगले व्लॉग के लिए बने रहिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा व्लॉग लगा। मुझे फॉलो कीजिए, थैंक यू।